नमस्ते दोस्तों, मैं टेलर मास्टर शैलेंद्रनाथ नंदी, आप सबको स्वागत है मेरा वीडियो देखने के लिए। आज हम आप लोगों को एक तो पर्दा का कटिंग और सिलाई बताएंगे, काटन इसके लिए कितना कपड़ा लगेगा और सिलाई का तरीका हम अभी बताते हैं। जंगला के लिए, दरवाजा के लिए पर्दा लगता है काटन, तो इसके लिए कपड़ा लगेगा आपका जितना लंबा होगा उसका संग में आप 5 इंच और जोड़िए। जैसे 40 इंच लंबा होने से और 5 इंच जोड़िए तो 45 इंच हो जाएगा। 45 इंच में आपका होगा 115 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा, यानी 1 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। इस तरह कोई भी पर्दा होगा, 5 इंच ज़्यादा लीजिए लंबा के साथ में। तो उसके बाद में आप नीचे मोड़िए और ऊपर आप फोल्ड कीजिए, स्प्रिंग लगाइए, चाहे आप रिंग लगाइए। तो चलिए हम सिलाई करके दिखाते हैं। ये पर्दा हमने काट लिए हैं, इसका लंबाई है 55 इंच और इसके संग में हमारे 5 इंच जोड़े हैं, यानी 60 इंच कपड़ा हम लिए हैं। 60 इंच में 1.5 मीटर। तो सबसे पहले हम इसका नीचे 1 इंच, 1.5 इंच, 1/2 इंच, 2 इंच, आपका जितना मन होगा आप नीचे मार्जिन रखिएगा। जैसे 5 इंच कपड़ा लेने से ऊपर 3 इंच मोड़ने का, नीचे 2 इंच मोड़ने का आपका मार्जिन है, आप उस हिसाब से आप मोड़िए। ये पर्दा का फूल पत्ता इसमें है, तो फूल पत्ता ऊपर तरफ होना चाहिए। जैसे ये फूल पत्ता जो है ये ऊपर तरफ होना चाहिए और नीचे तरफ हम मोड़ लेते हैं। इसको हम 1.25 इंच मोड़ेंगे, नीचे मोड़ लेते हैं। नीचे का मोड़ाई हो गया, अब ऊपर तरफ मोड़ना होगा। ऊपर तरफ मोड़ने के लिए एक ही पर्दा में हम आपको 3 किस्म का तरीका बताते हैं। अगर आपको स्प्रिंग डालना है तो आप इसको, मेरा ऊपर तरफ 3 इंच मोड़ने का रखा हुआ है, 3 इंच को पहले फोल्ड कर लीजिए। नीचे 2 इंच मोड़ने का है, नीचे मोड़ने के बाद ऊपर 3 इंच जहाँ है हमारा मोड़ने का, उसको फोल्ड कर लीजिए। अब उसको इस तरह मोड़ लीजिए, मोड़ने के बाद नीचे सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लिए। अब सिलाई लगाने के बाद ऊपर, यानी यहाँ पर आप 1/2 इंच पर एक तो और सिलाई लगाइए इस तरह। इस तरह एक तो और सिलाई लगाइए। तो जब आप स्प्रिंग डालिएगा तो ये ऊपर में जो 1/2 इंच सिलाई लगाए हैं ये अच्छा सुंदर चुनट आएगा। तो ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। हम रिंग लगाते हैं, पर्दा का रिंग मिलता है मार्केट में और ये फीता भी आपको मिलेगा पर्दा का। तो इस तरह कुछ घर है जहाँ हुक फंसेगा, तो इसके लिए आपको जितना चौड़ाई है उस हिसाब से आपको लेना होगा, फीता बाज़ार से ख़रीदना होगा। अब इसको आप नीचे, दूसरा पर्दा बता रहे हैं, नीचे मोड़ने के बाद अब एक तो हो गया ये वाला, अब दूसरा देखिए। अब इसको, इस किनारा को इस तरह मोड़ लीजिए, मोड़ने के बाद में यहाँ पर बैठाइए, यहाँ एक सिलाई दीजिए पूरा लंबा जितना पर्दा है। एक सिलाई लगाने के बाद
फिर नीचे एक सिलाई दे दीजिए ऐसे। ऐसे लगाने के बाद आप मार्केट से वो रिंग खरीद के ले आइए और आपका पाइप में उसको दे के इसको फंसा दीजिए। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका हम इसी में बता रहे हैं। अब तीसरा तरीका देखिए, नीचे मोड़ने का तरीका सेम। अब ऊपर जो है ये टेप फीता मार्केट में आपको मिलेगा, इसको खरीद के ले आइए। अब ऊपर में अब ये जो मोड़ने का है इसको हाफ इंच मोड़िए, सिर्फ हाफ इंच यहाँ पर। अब हाफ इंच मोड़ने के बाद आप इसको इस तरह अब इसको ऐसे बैठाइए। बैठाने के बाद आप इस पर सिलाई लगाइए। टाँकी लगा के शुरू कीजिए। इसको हाफ इंच मोड़ते हुए सिलाई लगाइए। अब यहाँ आके आप बराबर करके इसको काट लीजिए। टाँकी लगा के सिलाई खत्म कीजिए। अब इसका नीचे बखिया लगाना होगा, ये टेप का नीचे भी बखिया लगाना है। तो दोस्तों ये पट्टी बैठ गया। अब इस होल को काटना होगा। जैसे बकरम को जितना चौड़ा है उस हिसाब से अब इसको काट लेना है। जैसे एक दो ठो हम आपको बना के दिखाते हैं। इस तरह इसको गोल काट के निकाल दीजिए। इस तरह सभी होल को कपड़ा को काट लीजिए। अब इस पर रिपीट बैठाना है, हम दिखाते हैं आपको। इस तरह सभी होल को काट लीजिएगा। अब ये जो रिंग ठो है इस रिंग को इस पर बैठाइए। ये जहाँ होल है इसको इस तरह बैठा लीजिए। ये सीधा तरफ है, इसको बैठा के कपड़ा को सही से नीचे बैठा लीजिए। अब ये वाला रिंग को इस पर रख के ऐसे इसको दबा लीजिए। ये बैठ गया। अब इस तरह इस सभी पट्टी को काट के आप इस पर बैठाइए तो इसका फिनिशिंग ऐसा आएगा, इससे भी बेटर क्वालिटी का भी मिलता है। तो अब इसको पूरा बना के अभी आप रड में पहनाइएगा पाइप में। तो दोस्तों देखें किस तरह का आसान तरीका से आप पर्दा बना सकते हैं। आप बनाइए खूब बढ़िया से। कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।